good morning students so this is the third part of this chapter making of the indian constitution okay so how our country evolved constitution so there are some points i'll just tell you about this uh, indian constitution was drawn up under very difficult you know circumstances in present everything is very normal बट दैट टाइम देर वॉज़ अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डाइवर्सिटी टू तो जो है आज भी हमें देखने को मिलती है बट उस टाइम इट वॉज डिफिकल्ट टू हैंडल इट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स कास्ट क्रीड इन सबको एक साथ एकोमोडेट करना दिस वॉज अ चैलेंज फॉर द गवमेंट ओके दिस वॉज द ग्रेट चैलेंज सेकेंड वॉज पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजस डिफ्रेंसेस जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था दैट टाइम पार्टीशन को भी फेस किया गया था कंट्री वाज डिवाइडेड देर वर मेनली टू रिलीजन्स लाइक हिंदू एंड मुस्लिम्स सो कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड टू मेक श्योर व्हेन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द रिलिजन पीपल शुड बी एग्री दैट वॉज ऑल्सो द चैलेंज टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन not to disturb the religious harmony. okay, because the religion ki logu uh, hurt karna tha. they should be agree that time. so problem of integration of princely state uh, when our country got freedom, many more states like uh, princely state can be uh, independent or can be joined with anyone of the part of india. so it was the challenge to meet them join with uh, indian territory.

ठीक है साउथ अफ्रीका से जो एक्सपीरियंस um, नहीं था कि दे डिड नॉट गेट एनी एक्सपीरियंस सो इंडियन डेवलप्ड कंसेंसस हाउ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल क्योंकि आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते ख़ुद को यूनाइट करना शुरू कर दिया था हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने ओके सो लाइक इन इन

जो है uh, जो कराची सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था मोतीलाल नेहरू गॉट परमिशन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट टाइम मोहम्मद जिन्ना ही आस्क फॉर अनादर कंट्री बिकॉज बोथ द लॉयर एंड इन कराची सेशन रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हाउ विल बी आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वट टू डू एंड टू गिव इक्वल राइट्स टू ईच एंड एवरी सो वट विल बी द सो फैमलेरिटी विद पोलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशंस अर्लीयर टाइम क्या हुआ था पहले के टाइम पर ब्रिटिशर्स के ही टाइम पर जो है जैसे स्टेटस स्टेट्स uh, में दे अलाउ टसिपेट इन स्टेट्स लेजिसलेटिव असम्बली इलेक्शंस के में आवर कंट्री आवर पीपल ओनली पार्टिसिपेटेड इट सो वी वर ऑलरेडी फेमूलियर विद इट हाओ वी विल ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो प्रोविंशियल जो है लेजिसलेचर्स इलेक्शन जो हुए थे वो 1937 में हुए थे सो इंस्पिरेशंस फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड इवेंट्स फॉर एग्जांपल फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रीडम ठीक है ये बहुत सारे जो आइडियाज़ थे वो ऑलरेडी जो है हमारी कंट्री के जो लीडर्स थे दे गॉट रशियन रिवोल्यूशन से भी उन्होंने सोशलिस्ट सोसाइटी और बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस यहाँ से वी लर्न अबाउट फंडामेंटल्स राइट्स सो वी इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द आइडियाज बिकॉज ऑलरेडी हमारे इंडियन जो लीडर्स थे दे गॉट मैनी मोर आइडियाज बिफोर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सो इन कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वट इज द कॉन्स्टिट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है इज अ बॉडी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेड आर कॉन्स्टिट्यूशन सो हू वर द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एंड दिस असेंबली वॉज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिवस जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती थी वही जिनको चुना जाता था रिप्रेजेंटेटिवस के तौर पर Uh, वही क्या करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करते थे बट दैट टाइम देर वार नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बट प्रोविंशियल लेजिस्टर वॉज देर स्टेट वाइज स्टेट लेजिस्टिव असेंबली से प्रोविंशियल काउंसिल से मैं uh, के थ्रू जो है इन्हें इलेक्ट किया गया और उनके इलेक्शंस हुए थे तो जुलाई इन नाइनटीन ओके July 1946 May and the first meeting held in December 1946 May uh, 389. Okay, 389 members were there and in 1947 mein partition ho gaya tha and divisions of uh, Constituent Assembly 299 members ंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्राम दिसंबर टू नवम्बर नाइनटीन फोटी नाइन तक जो कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी कर दिया गया नेक्स्ट इज़ अडोपन वर्सिस इम्प्लीमेंटे ओके अडोप्शन वर्सेज इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ था कि दैट टाइम हाउ टू अडाप्ट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन ट्वेंटी सिक्स इन 26 November 1949. It was completed but implemented from 26 January 19. It was implemented from 26 January 19, 1950. so that's why we celebrate Republic Day on this day uh, पूर्ण स्वराज was already declared by जवाहरलाल नेहरू क्योंकि ये पूरा पूर्ण स्वराज जो है already डिक्लेयर हो चुका था that's why जो है इस से द सेम डेट 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के तौर पे क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं ओके ना acceptance एक्सेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरीके से सो वाई इट्स लेटमेसी थी एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड बाय एवरीवन सोशल ग्रुप्स पॉलिटिकल ग्रुप्स जितने भी ग्रुप्स थे वर एक्सेप्टेड इट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया दैट टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वर ऑल द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट जोग्रफिकल एरियाज नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न इंडिया ओके वी गॉट लीडर्स फ्राम एवरी एरियाज कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया था प्रोसेस बाई विच इंडिया मेड कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्टमेसी को ड्राफ्ट किया गया ठीक है असम्बली के प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओके okay? एंड um, भीमराव अंबेडकर जो थे हु वाज द लॉयर ड्राफ्टिंग डिबेट्स टिल वन फोर्टी फोर डेज तक टू थाउजेंड अमेंडमेंट्स किए गए चेंजेस किए गए अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस ओके एंड रेशनल जिस वजह से कि बहुत सारे जो रीजन्स थे जिस वजह से सो थैंक यू सो मच दिस वॉज पार्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक